नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से लागू किए जा रहे नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बड़नगर चालक परिचालक संघ द्वारा इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लिए जाने के लिए एक ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी शिवानी तरेटिया को सौंपा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से वाहनों से दुर्घटना होने पर वाहन चालक पर 7 लाख का जुर्माना व 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान लागू किया गया है, जिसका विरोध बड़नगर में भी दिखाई दिया और ड्राइवरों ने मंगलवार को सुबह कोर्ट चौराहे पर धरना देकर नारेबाजी की। ड्राइवरों द्वारा चक्का जाम का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस व प्रशासन की मुस्तैदी के चलते चक्का जाम नहीं हो सका। ज्ञापन में कहा गया है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना कारित नहीं करता है। ड्राइवर की स्थिति बहुत दयनीय है, ऐसे में सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान हम बस, ट्रक, ट्राला, डंपर, टैक्सी ड्राइवर यूनियन विरोध करते हैं। किसी प्रकार का वाहनों में माल लोड नहीं किया जाएगा। यदि 3 जनवरी तक कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आगे भी चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आज के संबंध में ज्ञापन दिया गया, क्या मामला? आज स्थानीय कोर्ट चौराहे पर जो एकत्रीकरण और धरना प्रदर्शन हमारे ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन और समस्त वाहन चालकों के साथ किया गया है, और साथ ही SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जो कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 104 उसकी 1 और 2 के अंतर्गत जहां पर वाहन चालकों के खिलाफ अगर अप्रिय घटना कोई भी होती है, दुर्घटना होती है, तो उसमें 7 से 10 साल तक की कैद है और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। तो इस कानून के विरोध में हम सब आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहां साफ मालूम पड़ता है कि ये कानून किसी भी तरीके से न वाहन चालक के लिए, न किसी ड्राइवर के लिए सही है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर अपनी इच्छा से कोई दुर्घटना नहीं करता, कोई एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन कोई अपनी घटना हो जाए तो पहले ही वो ड्राइवर 10-12 लाख रुपए की 10-12 हज़ार रुपए की सैलरी पे काम करता है। कल से कोई घटना हो जाए तो वो अपना घर कैसे चलाए और 10 साल की कैद वो कैसे सहन करेगा। तो आज हम सभी वाहन चालकों के समर्थन में ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन और टैक्सी वाले सभी लोगों ने यहाँ मिलकर आज ज्ञापन दिया। अगर आपकी मांगे पूरी निकल जाए किस तरह आंदोलन किया जाएगा? हमने कहा है कि अभी हमारा जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके आदेश पर 1 से 3 तारीख तक हमारी हड़ताल है। आगे भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम चरणबद्ध आंदोलन उनके अनुसार करेंगे।